चलिए दोस्तों, मैं आपको जीएसटी ट्रांस वन में गलती करने ही नहीं दूंगा। देखते हैं इस वीडियो को। अब तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं एक्साइज में या सर्विस टैक्स में, तो आप क्रेडिट सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे ही क्लेम कर पाएंगे, स्टॉक के बेसिस पे नहीं क्लेम कर पाएंगे। और अगर रिटर्न के बेसिस पे क्लेम करना है सीजीएसटी को, सीजीएसटी में कन्वर्ट करना है तो 5A, और अगर आप एसजीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और अगर आप वैट में रजिस्टर्ड है और इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो 5B और 5C, और सिर्फ लोकल सेल कर रहे हैं तो 5C, जिसमें सीएसटी का, एच फॉर्म का, आई फॉर्म का कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप क्रेडिट ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई 2017 के बेसिस पे ही क्लेम कर पाएंगे। और अगर आप अनरजिस्टर्ड एक्साइज में या सर्विस टैक्स में है तो 7A के बेसिस पे, और अगर आप अनरजिस्टर्ड है वैट में तो एसजीएसटी और 7C भरना होगा आपको। अब देखिए, कुछ लोग होंगे जो अनरजिस्टर्ड है, जैसे जो ट्रेडर हैं वो तो अनरजिस्टर्ड होंगे यहाँ पर सीजीएसटी में, तो वो क्या भरेंगे, 7A, लेकिन रजिस्टर्ड यहाँ होंगे तो वो ये भरेंगे। तो ये याद रखना, 5A, 5B, 5C, 7A और 7C, बस इतने में ही आपका काम होना है ट्रांस में, बाकी और कोई काम नहीं आने वाला। बाकी जो टेबल है वो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, बड़े होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपके पास बिल कोई किस तरह का बिल होगा। सर मेरे पास वैट बिल है, ये वाला बिल है, क्या करें बताइए आप। बस सर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे पास वैट बिल है, मैं क्या करूँगा। ये वाला जो वैट और एंट्री टैक्स एसजीएसटी में कन्वर्ट होगा, अगर एसजीएसटी में कन्वर्ट होगा तो ये वाला टेबल देखिए आप। अब आप देखिए, वैट में आप रजिस्टर्ड है, बोला हाँ सर मैं रजिस्टर्ड हूँ, इंटर स्टेट सेल करता है, हाँ सर करता हूँ, तो 5B और 5C, सिर्फ लोकल सेल करते हैं तो 5C, बोला नहीं सर मैं वैट में तो अनरजिस्टर्ड हूँ, तो ये लीजिए, तो आप क्या भरेंगे, 7C। तो मैन्युफैक्चरर जो वैट में रजिस्टर्ड होगा तो ये, अनरजिस्टर्ड होगा तो 7C, खत्म। अब सर्विस प्रोवाइडर के बारे में देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के पास ये बिल पड़ा हुआ है, ये इसका कोई क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर पाएगा। ट्रेडर, ट्रेडर के पास ये वैट बिल पड़ा हुआ है, तो ट्रेडर अब इस वैट और एंट्री टैक्स को एसजीएसटी में कन्वर्ट करेगा, तो ये वाला देखेंगे। अब ये ट्रेडर अगर रजिस्टर्ड है तो रिटर्न के बेसिस पे, और टेबल कौन सा भरेगा, 5B 5C, अगर इंटर स्टेट सेल करता है, लोकल सेल करता है तो 5C, अगर ये ट्रेडर अनरजिस्टर्ड है तो 7C। इस ट्रेडर को एक बेनिफिट और दिया गया कि आप सीजीएसटी का डीम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडर सीजीएस ट्रेडर कभी भी एक्साइज में और सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं होगा, तो वो यहां 5A में तो आएगा नहीं, रिटर्न भरता नहीं होगा, तो इसके लिए कौन सा है, क्लेम क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 जुलाई 2017, और वो भरेगा 7A। समझ में आ गया दोस्तों। अब आइए, अब आपके पास मान लीजिए सर्विस टैक्स का बिल है। अब अगर आपके पास सर्विस टैक्स का बिल है, उसमें सर्विस टैक्स एसबीसी केकेसी लगा होगा। अब अगर मैन्युफैक्चरर है वो सर्विस टैक्स को ही कन्वर्ट कर पाएगा एज सीजीएसटी, बाकी नॉट अवेलेबल है। अब कहानी वैसे ही करना है, कैसे करना है देखिए। तो मैन्युफैक्चरर, अब आप कैसे देखेंगे इसको, इस सर्विस टैक्स को इसको सीजीएसटी में कन्वर्ट करना है, और तो हम सीजीएसटी में जाएंगे। अब सीजीएसटी में ये मैन्युफैक्चरर पहले रजिस्टर्ड था तो रिटर्न के बेसिस पे 5A का टेबल भरेगा, नहीं रजिस्टर्ड था तो 7A। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड था तो 5A, नहीं रजिस्टर्ड था तो 7A। तो ट्रेडर सर्विस टैक्स का क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर वैट का क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाता, ट्रेडर सर्विस टैक्स का क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है वो वैट का भी क्रेडिट क्लेम कर पाएगा, एक्साइज का भी क्रेडिट क्लेम कर पाएगा, और सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। आइए अब आ गया, अब अगर आपके पास ये वाला बिल है, एक्साइज प्लस वैट बिल, जिसमें एक्साइज भी और वैट दोनों लगा हुआ है, एक्साइज और एनसीसीडी कन्वर्ट होगा सीजीएसटी में, वैट कन्वर्ट होगा एसजीएसटी में। अब मैन्युफैक्चरर के पास अगर ये बिल है तो वो क्या, कौन सी टेबल भरेगा। अब मैन्युफैक्चरर को इसको सीजीएसटी में कन्वर्ट करना है तो मैं ये देखूंगा। अब अगर रजिस्टर्ड होगा तो 5A, अनरजिस्टर्ड होगा तो 7A। अब ये मैन्युफैक्चरर वैट को एसजीएसटी में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां देखूंगा। अब ये मैन्युफैक्चरर एसजीएसटी में, यानी कि पिछले वैट लॉ में रजिस्टर्ड होगा और इंटर स्टेट सेल करता होगा तो 5B 5C, और सिर्फ लोकल सेल करता हुआ तो 5C। अब सर्विस प्रोवाइडर का देख लेता हूं, सर्विस प्रोवाइडर सीजीएसटी में इसको कन्वर्ट करेगा तो सीजीएसटी में अगर रजिस्टर्ड होगा, मतलब एक्साइज में पहले रजिस्टर्ड होगा तो 5A, अनरजिस्टर्ड होगा तो 7A, और सर्विस प्रोवाइडर को वैट का कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं। ट्रेडर की बात आइए, अब ट्रेडर अगर रजिस्टर्ड हुआ
तो ट्रेडर ऑब्वियसली इसमें रजिस्टर्ड होगा नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेडर है, तो वो अनरजिस्टर्ड कराएगा तो वो 7A में भरेगा, और SGST में या तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। ट्रेडर अगर रजिस्टर्ड है तो इंटरेस्ट रेट सेल करता तो 5B5C, लोकल सेल करता तो 5C, और अगर ये ट्रेडर अनरजिस्टर्ड हुआ तो 7C के अकॉर्डिंग क्लेम कर लेगा। अब आ गया ये, अब अगर आपके पास एक्साइज प्लस CST बिल है तो CST का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल, लेकिन इसको CGST में कन्वर्ट होगा, CGST में कन्वर्ट होगा, ये भी CGST में कन्वर्ट होगा, वही जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही होगा। अब अगर आपके पास इंपोर्ट बिल है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। कन्वर्ट क्या होगा, CVD, स्पेशल CVD और NCCD, किस में कन्वर्ट होगा, CGST में। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी बताया, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का। हो गया दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। स्टार्ट कीजिए ट्रांस वन भरना, इसकी शीट एक्सेल शीट हमने बनाई हुई है, कैसे भरना है, एक एक चीज हमने माइन्यूट डिटेल तक बताई हुई है। लिंक दिया हुआ है, कहां पर लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, नहीं मिलता है तो taxbykk.com में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।